एक मिनट भाई, धक्का धक्का नहीं रे, धक्का धक्का नहीं करोगे कोई भी। अरे रुक जा, मैं पाछे ना हो जाने है मेरे यार, सारा सिस्टम बजा दिया। देखो ना ये सिस्टम नहीं, मैं पीछे ना हो लो, थोड़े पाछे ना हो लो भाई जी, नहीं बने की बात है मेरे यार। ये थोड़ा हाँ नीचे ना कर लो, देखो श्री नरेंद्र सिंह जी को जो हमारे देश के बीएसएफ के जवान थे उनको बहुत ही निर्मम तरीके से और बर्बर तरीके से पाकिस्तान ने उनकी हत्या कर दी। और जिस तरह से उनको हत्या के पहले निर्ममता के साथ कई घंटों तक यातनाएं दी गई, जब उनका शरीर यहाँ पे पहुंचा तो वो पूरी तरह से छिन्न भिन्न था। हम बहुत कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं। पूरे देश के अंदर, केवल हरियाणा और इस गांव में नहीं, पूरे देश के अंदर इसको लेके बहुत ज्यादा आक्रोश है लोगों के अंदर कि आखिर कब तक इस देश के जवानों को पाकिस्तान इसी तरह से मारता रहेगा, इसी तरह से यातनाएं देता रहेगा। आखिर हमारा देश इतना बेबस, हमारी केंद्र सरकार इतनी बेबस क्यों नजर आ रही है? प्रधानमंत्री जी कुछ करते क्यों नहीं? प्रधानमंत्री बनने के पहले वो कई बातें किया करते थे। वो कहते थे लव लेटर लिखने से काम नहीं चलेगा, वो कहते थे कि पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देना पड़ेगा। तो दीजिए ना, लव लेटर लिखने से काम नहीं चलेगा तो उनके बर्थडे में केक जाके काटने से काम थोड़ी चलेगा। आखिर हमारे सिपाही कब तक इस तरह से बर्दाश्त करते रहेंगे? ये इस देश को मंजूर नहीं है। हम लोग एक्शन चाहते हैं, हम लोग केवल भाषणबाजी नहीं चाहते। मैं भी परिवार से मिलने के लिए आया हूँ, मोहित हैं ये, उनके बेटे हैं। और पिछले, अभी मुझे पता चला कि पिछले 8-10 साल से वो दिल्ली में रह रहे थे। नरेंद्र सिंह जी और उनका पूरा परिवार दिल्ली में रह रहा था। दिल्ली सरकार की पॉलिसी हमने एक निकाली है जिसमें कोई भी हमारे देश का जवान अगर बॉर्डर पे शहीद होता है तो उसके परिवार की का खामियाजा तो नहीं भुगत सकते। उसकी जो शहादत है उसका देश हमेशा ऋणी रहेगा, लेकिन सरकार 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि उसके परिवार को देती है। उस पॉलिसी में ये लिखा है कि जब वो जवान ने नौकरी ज्वाइन की थी उसमें, उस वक्त उसका परमानेंट एड्रेस अगर दिल्ली हो तब ये उसको दिया जाता है। इस केस में इन्होंने बता रहे थे कि 1988 में शायद ज्वाइन की थी, तब उनका एड्रेस हरियाणा था। लेकिन हम मंगलवार को दिल्ली में कैबिनेट की मीटिंग बुला के इस रूल को बदलेंगे, क्योंकि इस रूल में कमी है। दिल्ली के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बाद में आके बसते हैं, तो इस रूल को हम बदलेंगे और चेंजेस इस तरह से लाएंगे ताकि नरेंद्र सिंह जी की ये जो शहादत है ये भी इस पॉलिसी के तहत आ सके। तो मंगलवार को इस पॉलिसी को बदल के हम इस परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि और इनके परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी दिल्ली सरकार में, ये हम दिलाने का प्रयत्न करेंगे। इनके नरेंद्र सिंह जी ने जो शहादत दी है हम उनको नमन करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी कुछ ठोस कदम उठाएंगे। 1 करोड़ रुपए देने से और नौकरी देने से तो कुछ बदलने वाला नहीं है। परिवार को एक टेम्पररी राहत मिल जाएगी, लेकिन जब तक पाकिस्तान को ठोस जवाब नहीं दिया जाएगा तब तक इस तरह के निर्मम हत्याएं होती रहेंगी। लाइक चेंडी, शेयर चेंडी एंड सब्सक्राइब चेंडी।